हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। दो मंत्रियों और उनके समर्थकों के बीच चल रही सियासी लड़ाई में अब सैनी और कटारिया समर्थकों ने अपने नेताओं का बचाव करना शुरू किया है। भाजपा नेता एम कटारिया समर्थक सुभा देश मित्तल ने अपने नेताओं पर लगे आरोप का बचाव करते हुए कहा कि नायब सैनी पिछले 3 साल से जिला अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा में लड़े गए चुनाव में पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है और उन पर ऐसे आरोप लगाना गलत है। जल्द ही संगठनात्मक चुनाव होने हैं जिसमें नए जिला अध्यक्ष को चुना जाएगा, तब तक सैनी इस पद पर बने रहेंगे। जो लोग उनके बारे गलत बयानी कर रहे हैं वास्तव में वो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं और वो ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। इन लोगों ने चुनाव से पहले साझा मोर्चा नामक संगठन खड़ा किया था और स्थानीय विधायक विज ने भी इससे निष्कासित किया था। मित्तल ने इनकी मांग को अनुचित बताया है। राज्य मंत्री नायब सैनी और सांसद रतनलाल कटारिया का बायकॉट करने वाले कैंट के बीजेपी नेताओं ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी थी कि मंत्री अनिल विज की छवि खराब करने की कोशिश की है। विज समर्थकों ने नायब सैनी पर निशाना साधा था और कहा स्वार्थी नेता अपने क्षेत्र को छोड़ कैंट में पार्टी विरोध लोगों से मिल संगठन को कमजोर कर रहे हैं और उन्हें नायब सैनी से एक पद से इस्तीफा की मांग की, जिसे आज विज ने जायज ठहराया। अनिल विज ने कहा कि पार्टी द्वारा गठित इकाइयों को बताए बिना वे यहां नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि नायब सैनी को मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद। कहीं पर कोई लड़ाई नहीं है आपस में और विपक्षी पार्टियों को तो क्योंकि कोई मुद्दा नजर नहीं आता इसलिए बेसिर पैर की बात करते हैं ये लोग। भारी भरकम बिजली के बिल आ गए हैं, उन्हें ठीक नहीं किया। देखिए चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। पोल तो उसकी खोली जाती है जिसका कुछ छुपा हुआ हो। हमारी सरकार का कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और हम हर काम को अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी उसकी करते जा रहे हैं। हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। सभी 50,000 से अधिक कीमत के सभी जो बंदर बांट हुआ करती थी वो हमने बंद कर दी। अब ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं, हर काम में पारदर्शिता है। आप चलाइए, ढूंढ के लाइए आप हमारी सरकार के खिलाफ और करिए आप, बताइए आप। देखिए ऐसा है, ये राजनीति में दो ही पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, इनका अगला पिछला इतिहास कुछ नहीं होता। हलचल टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़, हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।